जयशु, हमारा ग्रुप नंबर 6 है। उसमें जब हम सब एकत्रित हुए थे तो सबसे पहले हमने पवित्र आत्मा का एक गीत गाया जो कि हमारे ब्रदर ने सिखाया, ओ आत्मा पावन आत्मा, ये गाना गाकर हमने चालू किए। तब मुझे लगा कि ऐसा अनुभव हुआ कि ये गाना मुझे इतना मतलब प्रेरित किया कि मैं वहाँ पे झूमने लगी। ऐसे हमने बहुत कुछ डिस्कस किए और हमारे ग्रुप में थी जूली आंटी, उन्होंने खुद के उदाहरण बताए, जैसे कि उनकी एक्सीडेंट हो गई थी तो वो मरने पर थी। जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तब उनको कुछ होश नहीं था, लेकिन सब डॉक्टर्स उनको बोले कि हम इसका कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो एक डॉक्टर ने बोले कि मैं इनका ऑपरेशन करूँगा करके। तो जैसे उन्होंने इंजेक्शन दिए तो फिर उन जूली आंटी के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड पहले निकला, जो है हालेलुया। वो भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तब से जूली आंटी के प्रेरणा से भी मुझे ये प्रेरणा मिली है कि अपन कोई भी काम करते हैं, शुरू करते तो यीशु का नाम लेके ही शुरू करना चाहिए। वो पवित्र आत्मा का वरदान है हमारे इसमें। हमारे ग्रुप में बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ अनुभव हुआ है, तो सब अपने अपने अनुभव बता रहे थे। तो मेरा भी एक अनुभव बताती हूँ। आज जब हम आए यहाँ पे तो जब मीसा बलिदान चालू था तो मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं सच्ची ईश्वर मुझे प्यार करते हैं या नहीं, बस मुझे यही डाउट था एक। तो आज सच्ची में ईश्वर ने मुझे चुना है क्या, ये मेरे को एक डाउट था। आज मेरे को ये पूरा क्लियर हो गया कि सच्ची ईश्वर ने ही मुझे चुना है, उन्हें ही मुझे यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू।